बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मंथली रिव्यू के साथ आबिद हाजिर है। अच्छा, मंथली रिव्यू से पहले थोड़ा वीकली पे नजर डाल लेते हैं। इनफैक्ट हम थोड़ा डेली पे आ जाते हैं, डेली पे नजर डाल लेते हैं। अच्छा, डेली पे देखें, इसका जो पिविटल रेजिस्टेंस था, जो मैंने तकरीबन ये 2-3 महीने पहले मैंने बता दिया कि 80,000 या इसको रिटेस्ट कर सकता है, तो ये वैसे एक्चुअल जो था वो 79,900 था, 908। ये अभी भी इस वक्त जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऑन डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, डेली में इसलिए क्योंकि देखें ये MA5 को भी ऑनर कर रहा है साथ साथ। मैं ये थोड़ा सा इसको ये एक्सपेंड करके बता दूं, ठीक है ना। MA5 को देखें, यहाँ MA5 के पास आया, बेरिश एक डोजी बना, बेरिश फिर एक बुलिश डोजी इसमें फॉर्म हुआ। अगेन अभी यहाँ पे सिर्फ डोजी ही बन रही है, देखे ना कंसिक्यूटिवली 1, 2, 3, 4 दिन ये जो है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही है और डोजीज बन रहे हैं। डोजीज का आपको मैंने पहले बताया, डोजी का मतलब है होता है इनडिसाइसिव। इनडिसाइसिव ये हुआ कि बायर और सेलर दोनों इनडिसाइसिव है, ठीक है ना। बायर अब भी अभी इस वक्त तो मजीद इसको इंडेक्स को पुश करने के मूड में नजर नहीं आ रहे, वो भी सोच रहे हैं कि थोड़ा करेक्शन आ जाए। और सेलर भी जो है इस वक्त अभी मोहतात हैं, उनको 2-3 उनके से तजुर्बे हो गए हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि जब मैंने 80,000 की प्रेडिक्शन की थी उस वक्त जो है 55,000 और 67,000 की बातें हो रही थी, तो जो शॉर्ट सेल करते हैं उन्होंने शॉर्ट सेल किया होगा तो उन्होंने जो है ऑब्वियसली इंडेक्स आगे गया तो नुकसान भी उठाया होगा। तो अभी वो भी इनडिसाइसिव है कि यहाँ शॉर्ट सेल किया जाए कि नहीं, क्योंकि यहाँ मार्केट अब इस वक्त जो है अनप्रिडिक्टेबल चल रही है, तो इसके अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस वक्त फिलहाल। लेकिन हम एनालिसिस कर सकते हैं टेक्निकली, तो वो टेक्निकली एनालिसिस जो है उसका यही बता रहा है कि यहाँ कंसोलिडेशन चल रही है, यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ था, डोजी के बाद बेरिश, तो इसका मतलब होता है कि अपसाइड पे अभी इस वक्त मोहतरात रहे अनलेस और अंटिल एटलीस्ट ये वाला लेवल जो इसके नेकलाइन रेजिस्टेंस है एटलीस्ट, ठीक है ना, मतलब ये इंडिकेशन देगा कि इसके ऊपर जो है ये वाला हम लेवल ले लेते हैं, ये वाला, क्योंकि ये इसकी जो ओपनिंग है इसके ऊपर जो है क्लोजिंग नहीं आई है। ये इधर डोजी हुआ था, ठीक है, इसकी जो ओपनिंग है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं, इसकी ओपनिंग थी ये तकरीबन 79,000, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको अभी पता चल जाएगा, इसकी ओपनिंग थी 79,156, ठीक है ना। इसके ऊपर क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है एटलीस्ट, मैं बता रहा हूँ, और सस्टेन भी करना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पे फिर अभी इन एरिया में डोजी फॉर्म हो जाए तो फिर मोहताज रहे, ठीक है, बाय लो और सेल हाई की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें विद स्टॉप लॉस, ठीक है ना, जरूर स्टॉप लॉस रखें। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1%, 2% जितना भी आप कर सकते हैं, 3% भी बहुत से लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। तो वैसे इस वक्त मार्केट इतनी हाई हुई है कि 5% भी रख सकते हैं आप, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है कि यहाँ पे ये हो सकता है 5% भी नीचे और सॉरी यहाँ से ऊपर टेक ऑफ कर सकती है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ, मैंने पहले भी बताया हुआ है अपनी वीडियो में, देखें ये MA, वैसे तो ये डेली चार्ट है, डेली पे भी देखें काम कर रहा है, ठीक है ना, वैसे ये वीकली पे और मंथली भी बहुत अच्छा काम करता है। मैं आपके साथ अभी जब वीकली शेयर करूंगा मंथली तो पता चले, देखें यहाँ पे कि इसने MA5 को तोड़ा, यहाँ से फिर ये यहाँ पे इसने एक्चुअली यहाँ ब्रेक किया या इसकी कन्फर्मेशन मिली तो सेलर एक्टिवेट हो गए शॉर्ट सेलर, या फिर ये उसको बुलिश कैंडल ने निगेट किया और यहाँ से मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखा रही थी। और इसी तरह यहाँ पर भी हुआ 2 मई को, ठीक है, सेम सिनेरियो था, ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, ठीक है, इसकी कंफर्मेशन हुई, कंफर्मेशन को निगेट किया नेक्स्ट कैंडल ने, फिर ये अच्छा यहाँ थोड़ा सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो गया था। यहाँ से हमने देखा कि सब मैंने बोला भी था, ये ड्रैगन मैंने वीडियो बनाई थी, ये मैंने बताया था कि ड्रैगन फ्लाई डोजी यही होता है कि अगर बहुत बड़ी विक के साथ हो तो उसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं, ठीक है, वैसे अमूमन विक छोटी सी होती है लेकिन बहुत बड़ी विक थी, मतलब यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा थे, यहाँ पे नीचे की तरफ बहुत लोगों ने सेल किया, ठीक है ना, यहाँ तक के 71,800 का लेवल रिटेस्ट हुआ, लेकिन क्लोजिंग जो आई वो तकरीबन इसकी जो मैं ये डेली की बता रहा हूँ क्लोजिंग है 73,000, मतलब समझे लो जो किया था वो 71,781 का था और इसकी जो क्लोजिंग आई थी वो 73,000 के अराउंड आई थी। तो ये मतलब काफी बड़ा यहाँ पे विक बना था, मतलब यहाँ से बायर ने जो है ना इसको पुश करके ऊपर ले गए थे, ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग आई थी। अच्छा अब होता, मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकली बता दूं, नॉर्मली होता ये है, आप हिस्ट्री देख लीजिएगा,
कि यहां अगर इतनी बड़ी विक बनती है ना, तो जैसे जो क्लोजिंग आई ना, तो क्लोजिंग या इसके ऊपर गैप ओपनिंग होती है या यही ओपनिंग होती है जहां क्लोज हुई और मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखाती है, तो उस वक्त ये होता है कि यही होता है कि लोग जो जिन्होंने नीचे पे बाय किया है वो ऊपर जाके फॉरन इसको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सेलिंग बनती थी, तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर ये ऊपर जाता है तो फिर ये हो सकता है फिर ये वाला लेवल भी ब्रेक कर दे 70,000 का जो है, और नीचे मार्केट परफॉर्म करना शुरू कर दे। लेकिन देखें यहाँ पे इसने यहाँ नीचे की साइड पे कंसोलिडेट किया, रीटेस्ट किया इन एरियाज को, ठीक है ना। स्पेशली जो ये एरिया है इसकी, मैं आपको बता दूं, इसकी जो नेक लाइन सपोर्ट बन रही थी वो इसकी ओपनिंग थी, ये वाले कैंडल की ओपनिंग थी, ठीक है। और एक वक्त में ऐसा भी हुआ कि इसको ये रिटेस्ट, ये एक रिजेक्शन एरिया बन गया था, पहले सपोर्ट एरिया था, इसको ब्रेक किया, रिजेक्शन एरिया बन गया, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पे ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुई और मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई। तो ये कुछ चीजें समझने की, मैंने आपको ये आपको इंडिकेशन, मैंने इसको ऑन द लाइटर नोट बोला था, रेलवे ट्रैक है, ठीक है ना। मार्केट अगर ट्रैक से नीचे आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ टेक्निकली उसका ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट, या अपसाइड पे हो लोअर साइड पे हो, और इसकी कंफर्मेशन या निगेशन जरूरी है, ठीक है। तो अब हमको ये सबक मिल रहा है इस मार्केट से कि हम तीसरी कैंडल अगर बने तो फिर हमें स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, ये हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें एक दो तीन तीन, यहाँ पे कितनी बनी है, एक दो तीन चार, बनती गई बनती गई बनती गई, यहाँ एटलीस्ट यहाँ पे आए, फिर यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखाई है, ठीक है। अब वो एरिया ये था डेली पे, अगर हम देखें तो ये वाला एरिया बनता है, ठीक है ठीक है। मैं ये बुलिश कैंडल का जो क्लोजिंग है ये ले रहा हूँ, वो तकरीबन 75,900, 76,000, ये है आगे पीछे 100 200 300 पॉइंट जो है ये होते हैं। और इसकी भी सिंक्रोनाइजेशन देखें कि जो ये मैंने मंथली का निकाला है सीपीआर, तो इसका मिडिल बैंड है वो तकरीबन 76,000 के अराउंड बन रहा है। तो यहाँ पे ये मार्केट अगर आती भी है तो भी यहाँ पे बाई बनती है, क्योंकि ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डेली के हिसाब से समझा दिया है। अब आइए हम थोड़ा वीकली पे नजर डाल देते हैं, ठीक है। वीकली में भी अगर हम देखें सॉरी, तो यहाँ पे देखें जो रिफ्लेक्शन है डेली का, मैंने जैसा बताया था डोजीज बन रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो इसका जो कंक्लूजन आ रहा है वो बेरिश ही आ रहा है, मतलब सेलिंग आ रही है। और देखें अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ, लास्ट वीक में जो वॉल्यूम हुआ था वो 418 या 419 मिलियन समझ लें, राउंड अबाउट 419 मिलियन का था, और इस हफ्ते जो वीक जो बना है वो 842 मिलियन का, अच्छा खासा इंक्रीज देखा है और प्रॉफिट टेकिंग हमने यहाँ देखी है। तो अभी भी इस वक्त जो है थोड़ा मोहतात रह के काम करें, जिस तरह मैंने आपको बताया था, अनलेस और अंटिल ये 79,200 के ऊपर मार्केट परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है। और 79,000 या 80,000 के ऊपर कोई कैंडल बनती है और मार्केट इसको परफॉर्म करती है, तो मार्केट अब मजीद ऊपर, इवन 84,000 भी अगर वीकली पे देखें तो एक्सपोज हो जाएगा 80,000 के बाद। तो ये करंट सिनेरियो में, अच्छा मैं थोड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वीकली का मंथली का। तो पहले तो हम ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देख लें कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो है यहाँ पे हमने इंक्रीज देखा है, ठीक है, तकरीबन 205 बिलियन रुपीस का, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम ये देखें तो ऑन द मंथ ऑफ मई तो यहाँ पे हुआ था 10,170 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, और इस मंथ में जो है जून एंड में 10,375 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था। लेकिन इस बीच में अगर वीक के हिसाब से नजर डालें तो इस वीक में 10,400 बिलियन रुपीस का जो है ये मतलब एक तरह से बेंचमार्क तो मेरा 10,500 का था, लेकिन 10,500 के करीब करीब आया है। जिस तरह मैं बताता हूँ, हर बेंचमार्क में जो करेक्शन आती है, जैसे मैंने बोला था 8,000, 8,000 के बाद करेक्शन आई, फिर 8,500 बिलियन के बाद करेक्शन आई, फिर 9,000 बिलियन के बाद करेक्शन आई, फिर 9,500 के बाद आई, फिर 10,000, अभी 10,500 के करीब पहुंचा है ये। तो तकरीबन और राउंड ऑफ समय लेगा, 10,500 होता ही है, तो वहां से करेक्शन ड्यू है, क्योंकि फिर ये करेक्ट करके अपने आप को मार्केट अपसाइड पे मूवमेंट दिखा सकती है। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम इंक्रीज विटनेस कर रहे हैं, जबकि वीक ऑन वीक बेसिस में देखें तो 35 बिलियन रुपीज का हमने डिक्रीज देखा, क्योंकि जाके ये साइन शो कर रहा है ये सेलिंग का इस वीक में, तो इस वीक में जाहिर सी बात है 35 बिलियन रुपीज जो है वो मार्केट से आउट हुए हैं। तो ये एक मैंने आपको बताने के लिए बताया था कि ये शेयर किया है बताने के लिए कि देखें मंथ पे तो ऊपर जाता है, लेकिन वीक पे यहाँ पे सेलिंग नजर आ रही है 10,400 के बाद, ठीक है। और 10,500 नहीं गया, लेकिन 10,400 तकरीबन करीब करीब ही गया है। तो एक वजह ये भी है करेक्शन की कि यहाँ पे करेक्शन ड्यू है। तीसरी वजह ये है कि जाहिर सी बात है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आने वाली बहुत सी कंपनीज की,
इसमें जाहिर सी बात है मार्केट के रेट इंडेक्स के भी हाई ऊपर हुआ हुआ है और स्टॉक की प्राइसेस भी काफी हाई हो गए। अगर आप पी रेशियो देखें तो बहुत से स्टॉक का जो है 8 के मल्टीपल पे है, 9 के है, कुछ 34 के मल्टीपल काफी ज्यादा हो गए हैं ना। तो इसको भी हम जो इन्वेस्टर है उस हिसाब से देख रहे हैं कि थोड़ा पी रेशियो थोड़ा कम हो जाए तो फिर हम इन्वेस्टमेंट करें। फिर दूसरा रिजल्ट क्या आता है उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तो फिर इसमें हम एंट्री लेंगे। अगर अच्छा पे आउट आता है और अच्छा ईपीएस आता है तो थोड़ा सा एक ये भी वजह करेक्शन की तो मार्केट जो डिस्काउंटेड होगी तो फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी। अच्छा पर प्राइस सेक्शन के हिसाब से देखें जैसे मैंने आपको बताया सीपीआर का जो अपर लेवल है 78,577 ये सस्टेन करना बहुत जरूरी है। तो अभी जो मार्केट क्लोज हुई 78,400 तकरीबन इसके करीब करीब ही हुई है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे 78,500 का, लेकिन मैं इसको लेवल बताऊंगा 78,600 राउंड फिगर में, ठीक है, टू बी ऑन द सेफ साइड। और सीपीआर का मिडिल बैंड मैंने आपसे शेयर किया था 76,100 समझ लें, 76,100 और 75,900 ये एक जो है सपोर्ट एरिया, फिर इसके बाद बनता हुआ नजर आएगा। फिर नीचे की तरफ सीपीआर का लेवल देखें तो 73,612 का लेवल है। और अगर हम इसको ये प्राइस सेक्शन के हिसाब से देखें तो ये इसका मैं ये वाली जो है डोजी ले रहा हूँ, ठीक है, इसकी क्लोजिंग है वो तकरीबन बनती है 72,900 या 73,000, तो ये भी रिटेस्ट हो सकता है। और हमने ये भी रिटेस्ट होते हुए देखा है 72,127, ठीक है, तो ये भी रिटेस्ट यहाँ पे विक बन। अब यहाँ से देखे ना ये लेवल है, मैं सीपीआर का लेवल मतलब कहने मकसद ये होता है बताने का इसके ऊपर, ठीक है, सस्टेन करना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। अगर इसके नीचे परफॉर्म कर रही है बार बार ये रिजेक्शन एरिया बनता जा रहा है तो फिर मार्केट डाउन साइड पे परफॉर्म करती रहेगी लोअर बैंड की स्पेशली, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह ये मिडिल बैंड पे साइडवेज रहती है अक्सर, जैसे मिडिल बैंड पे ही परफॉर्म कर रही है मार्केट तो उसका मतलब साइडवेज है। साइडवेज में आपको पता है कि इतनी फ्लक्चुएशन होती नहीं है, तो साइडवेज में मैं वही कहता हूँ काफिया मिला के साइडलाइन होनी है। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको सीपीआर के हिसाब से बता दी है और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आपको मैंने समझा दिया है कि किस तरह आपने चलना है। प्लस ये MA5, ठीक है ना, आप वीकली जैसे ये मंथली पे देखे ना, ये इसको तोड़ा था, ठीक है, ये वीकली पे भी देखें यहाँ पे इसको तोड़ा था, फिर ये इसने इसको निगेट किया पुलिस कैंडल ने और इसके ऊपर क्लोजिंग आई, इसकी जो ओपनिंग थी इसके ऊपर क्लोजिंग आई है। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो क्लोजिंग है इस डोजी की इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट अब मजीद अपसाइड परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे बड़ी बात ये रेलवे लाइन को आप जो है रेलवे ट्रैक जो मैंने आपको बताया था इसको आप फॉलो करें, MA5 प्लॉट करके रखें, हाई टाइम फ्रेम पे भी और डेली पे भी काम करता है, ठीक है ना। जिस तरह आप देखें ना यहाँ पर एक मैंने आपको डेली में बताया था ना कई दफा हुआ है, तो यहाँ वीकली पे भी इस तरह हुआ है कि एक वीक में जो बेरिश कैंडल अगले वीक में फिर बुलिश कैंडल, इस तरह ये मार्केट परफॉर्म करती हुई अब अपसाइड की तरफ रवा दवा है। और सबसे बड़ा इंडिकेशन जो है या इंडिकेटर है मेरा वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अपर साइड पे ही है 10,000, ये भी 10,375 समझ लें तो ज्यादा फर्क नहीं है। वैसे जैसे मैंने बताया 35 बिलियन, वैसे इतनी इतनी तो मार्केट में करेक्शन आती है, इतनी प्रॉफिट टेकिंग होती है। और आप भी क्या करें, मैं तो हमेशा आपको कहता हूँ आप लोग भी प्रॉफिट टेकिंग करें। अब आ जाते हैं मंथली की तरफ, ठीक है, मंथली भी आ जाते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आप वीकली देख लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा अब आ जाते हैं, ये देखें ये आपका आ गया लास्ट मंथ का, ये करंट मंथ का आ गया जून का और ये मई के महीने का है मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। इसमें देखें अच्छा खासा यहाँ पे हमने इंक्रीज देखा है, जिस तरह मैंने पहले ही बताया था 205 बिलियन का हमने इंक्रीज देखा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको सीपीआर लेवल बताए हुए सिर्फ देखे ना, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से भी है और ये तो ये एक अच्छा लेवल है 76,000 का। तो अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो यहाँ पे बाय बनती है, यहाँ पे करना चाहिए बाय और रेशनली बाई क्या करें, हमेशा अच्छे स्टॉक है जो डिविडेंड ओरिएंटेड है। अब जैसे अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबके आने वाले हैं तो अच्छे स्टॉक है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ अभी भी कह रहा हूँ, ENP सेक्टर है, वही एनर्जी एंड पावर सेक्टर है और सीमेंट सेक्टर के कुछ अच्छे स्टॉक है डिविडेंड ओरिएंटेड जो मेरे फेवरेट है वो पाइनियर है, चेराट है, कोहाट है, बेस्ट वे है, ये अच्छे सीमेंट है, डिविडेंड भी देते हैं और अच्छा प्राइस गेन इसमें कैपिटल गेन भी मिलता है। बाकी दूसरे भी अच्छे डीजी वीजी में आप काम कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ जिनके रिजल्ट आने वाले हैं इन सब का जो है अभी ईयर एंड जून है तो रिजल्ट अच्छे की तवक्को है। अच्छा दूसरा ये है कि बैंकिंग सेक्टर का हमने आउट परफॉर्मेंस देखी उनकी, आउट क्लास आपने देखा है बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है,
उसके भी हाफ ईयरली है, कुछ अच्छे बैंक्स हैं जो क्वार्टरली हाफ ईयरली देते हैं, तो उन पे आप फोकस करें। स्पेशली इस पर जो है इस्लामिक बैंक काफी हो रहे थे, जैसे फैसल बैंक अभी एंटर हुआ है तो उसमें हमने अच्छी एक्टिविटी देखी है, उसको आप फोकस कर सकते हैं। बैंक इस्लामी है, इसको आप फोकस कर सकते हैं। मीजान बैंक है, मीजान बैंक का मैंने पहले भी ग्रुप में शेयर किया था, 210 212 जो है अच्छा सपोर्ट ले, तो वहां से अच्छी मूवमेंट दिखाई थी वहां से मीजान बैंक ने भी। तो ये कुछ बैंकिंग सेक्टर है, ईएनपी सेक्टर है जिसमें ऑयल सेक्टर, पावर सेक्टर ये सब आ गया, और फर्टिलाइजर सेक्टर, इनको आप फोकस कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कैपिटल गेन के लिए अच्छा है। अगर आप देखें तो पी रेशियो का काफी हाई रहता है, लेकिन कैपिटल गेन अच्छा मिलता है, फ्लक्चुएशन आती है जाहिर सी बात है, तो डाउन साइड पे इसको भी आप फोकस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।